तो ये है किसान भाई, वो अलग अलग धान के किस्म पूरा अलग अलग रखे हैं। और इन लोगों का जो मतलब से भैया कहाँ से आया हो? पदुम तरा। कैसे चला था रेट? है कम हो गया है रेट है, बढ़ाते फिर भी 1700 रुपये। चल 11 कर दे, 11 रुपये कर दे। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो किसान भाई, हम लोग आए हैं ये राजनांदगांव के धान मंडी में, और यहाँ बहुत से किसान भाई अपने धान की मतलब बेचने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसा होता है यहाँ का मंडी, और जो भी किसानों से कुछ बात करके दिखाएंगे आप लोगों को, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो किसान भाई, ये है राजनांदगांव का धान मंडी। तो यहाँ पूरा मतलब यहाँ वहाँ से पूरा फैला हुआ है, पूरा बहुत बड़े फील्ड में है ये। तो पूरा अपने अपने जो किसान है ना, वो पूरा अपने अपने धान वगैरह को लाए हैं, और ये उधर ना धान का बिक्री हो रहा है, तो वहाँ ले जाते हैं आप लोगों को। तो ये सभी किसान भाई अपने अपने बोरियों में या फिर बोरे में जो भी लाए हैं और यहाँ इकट्ठा किए हैं। तो ये है, तो ये है पूरा मंडी, पूरा अलग अलग किसान लाए हैं दूर दूर से अपना अपना धान। ये पूरा महामाया धान है ये। तो महामाया धान की यहाँ बोली ना लगभग 1700 ऐसे कुछ चल रहा है, और सरना का 1500 ऐसे, मतलब अलग अलग है धान की किस्म के ऊपर, या फिर उनके साफ़ सफाई जितने भी साफ करके लाने किसान वगैरह उनका अलग अलग बोरी पूरा। ये कैसे भैया कहाँ से आया हो? पदुम तरा। कैसे चला रेट? है कम हो गया है रेट, है बढ़ाते फिर भी 14-15 कैसे मांगा थे? अब बिके चिट्ठी, अब बिके है तो पता मिल ही आप। यही 1500 तक मांगा था, 1500-1600। कौन से धान है रे? महामाया है रे ना। तो सोसाइटी में बेच लो? हाँ बेचा गए। तो किसान भाइयों, ये भैया पदुम तरह से आए हैं इतना दूर से, तो ये पूरा धान अलग अलग किए हैं, और ये महामाया धान, और ये भी महामाया धान पूरा। तो अलग अलग धान के वैरायटी को लाए हैं। तो यही से भैया आप लोग काम करते ना यहाँ? अच्छा, कैसे रेट चल रहा है? तो भैया यहाँ 1700 बिक गए। 1700, अच्छा बिक गए ना। अच्छा, किसान भाई इधर चल रहा है बोली 2040 रुपये। 1400 1400 रुपये। 1700 चल 11 कर दे, 11 रुपये कर दे, 11 रुपये। तो ये 25 किसान भाई, ये जो धान है ये 1700 में बिका, तो ये और ये वाला धान का सरना 2040। किसान भाई 1525 रुपये में भी सरना धान है। तो इस प्रकार से कुछ बोली होता है किसान भाई। हम लोग मंडी में आए हैं, और कुछ इस प्रकार से बोलियां वगैरह होती हैं। तो ये जो सरना धान है 1500 में, और ये महामाया 1700, ऐसे मतलब अलग अलग ना रेट में बिक रहा है। और यहाँ जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और बोली लगाते हैं और ऐसे खरीदते जाते हैं। तो ये है किसान भाई, वो अलग अलग धान के किस्म पूरा अलग अलग रखे हैं, और इन लोगों का जो मतलब देख कर इनकी किस्म मतलब ना बोली लगाई जाती है, जितना अच्छा साफ रहेगा, और वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये ऐसा बोली लगता है, और अलग अलग जो व्यापारी रहते हैं वो ख़रीदते हैं। तो ये हमारा सरना धान, तो ये सब अलग अलग बोली लगाता है पूरा। तो ये पूरा इतने बड़े पूरा अलग अलग व्यापारी आए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और किसान लोग भी आते हैं बहुत दूर दूर से इसे बेचने के लिए यहाँ। तो ये भाई, तो किसान भाई ये है मंडी, कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। जो किसान वगैरह होते हैं ना, यहाँ मंडी में लाते हैं अपने अपने धान, और जो बड़े बड़े व्यापारी वगैरह होते हैं ना, ये धान को किस्म को या फिर उनके साफ सफाई वगैरह को देख कर ना इनकी बोली लगाते हैं, और तुरंत हाथों हाथ इनका पैसा भी मिल जाता है। अगर गाँव में हम लोग ना सेठ के पास ऐसे भेजते हैं, तो ये महीना 15 दिन ऐसे मतलब ना 2-3 महीने में भी पैसा मिलता है, तो ये तुरंत ऐसे पैसा मिल जाता है यहाँ। किसान भाई आप लोगों ने देखा कुछ इस प्रकार से मंडी का काम चलता है। तो किसान भाई ये बोलना, ये वीडियो यहीं पर रुकते हैं। आई होप आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।